जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे हमारी जो वैकेंसी निकली है सिक्योरिटी प्रिंटिंग माइंटिंग आपका कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए किस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगी, और डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली जानकारी और अपडेट के लिए। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है 3/2022 का, SPMCIL द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी है जो कि मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट, लीगल, ह्यूमन रिसोर्स, एनवायरनमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी है आपका डेप्यूटी मैनेजर एनवायरनमेंट की E2, 50 से 1,60,000 UR कैटेगरी में। वन वैकेंसी 35 IU असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग E1, 40 से 1,40,000, 16 वैकेंसी है, ठीक है, कैटेगरीज वाइज दे रखी है। 3/10/2022 से यहाँ पे 30, और यहाँ पे असिस्टेंट आपका मैनेजर की फाइनेंस अकाउंट E1 कैटेगरी में, यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं 10, यहाँ पे आपको वैकेंसी है 30 IU दे रखी है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल में E1 कैटेगरी 3 वैकेंसी है, 30 IU। असिस्टेंट मैनेजर में HR में 30 IU दे रखी है, 3 वैकेंसी है, ठीक है। इन्वायरमेंट में E1 कैटेगरी 1 OBC में 30, असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर में E1 कैटेगरी 1 OBC वैकेंसी 30 IU दे रखी है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की E1 कैटेगरी में, UR कैटेगरी में 1 वैकेंसी 30 IU दे रखी है। असिस्टेंट मैनेजर में E1 कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, UR कैटेगरी 30 IU दे रखी है। बाकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके बारे में जानकारी विस्तृत रूप से दे रखी है। 3/9 से लेकर 3/10 तक आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट फीस 3/9 से लेकर 3/10 तक। एज लिमिट के बारे में देख सकते हैं आपका यहाँ पे कंपटीशन एज मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन 3/10/2022 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे फीस देख सकते हैं 600 रुपये है इकोनॉमी सेक्टर जनरल OBC के लिए, 200 रुपये है जो रहेगा यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे SC ST फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको दे रखा है, विस्तार से मैं नोटिफिकेशन की अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में आपको क्लिक हेयर यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम आपका कंफर्म, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और लास्ट नेम, और ठीक है इस तरीके से यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप देखते हैं मोबाइल नंबर देना और इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फोटो डिटेल यहाँ पे आपको करनी है अपनी। यहाँ पे आप देखते हैं मैंने अपनी डिटेल को फिल कर लिया है। यहाँ पे आप देखते हैं मेरे नाम को, फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम है यदि, लास्ट नेम देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी दो बार देना है, कंफर्म नेम, कंफर्म मोबाइल नंबर, एक कंफर्म अल्टरनेटिव, और ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे, कैप्चा को फिल कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी डिटेल फिल हो जाती है, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे 20 से 50 KB के बीच में, और सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में। तो फोटो जिस तरीके से लगाए आपका क्लियर होना चाहिए फेस, और बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए, ठीक है। जाए तो यहाँ पे आप गाइडलाइंस के लिए फोटोग्राफ को यहाँ पे डिटेल को यूज कर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फोटोग्राफ के यहाँ पे दे रहे हैं 200 से 230 के पिक्सल 20 से 50 के बी के बीच में, ठीक है। और सिग्नेचर जो आपको करने हैं ब्लैक आपका इंक से यूज करें, 140 से 160 पिक्सल के बीच में, 10 से 20 KB के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो फ्रेंड जब भी आप फोटो अपलोड करें तो ध्यान में रखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है, हो सकता है आपको देखिए नाम जो फोटो का जो फाइल नेम है सही से कर लें, या आप इसका साइज है वो देख लें, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, अपलोड हो जाता है, ठीक है। थोड़ी जो प्रॉब्लम है आती है अगर आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको, उसके बाद सुधार कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी किस कैटेगरी में आ रही है, तो वो यहाँ पे उसके अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं UR कैटेगरी में से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो कैटेगरी है उसी में आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, क्या फिजिकली डिसेबल है, यस या नो, कैटेगरी आ रही है तो वो यहाँ पे बताएं, ठीक है। आपका देख सकते हैं आपको पूछा जाएगा आप राइटिंग इफेक्टेड है, यस या नो। यहाँ पे आपको टाइम चाहिए एक्स्ट्रा, यस या नो। वेदर यू डोमिनेट हैंड राइटिंग इफेक्टेड, यस या नो। यहाँ पे आप देखते हैं इफ यस कंपलसरी टाइम एग्जामिनेशन, यस या नो, ठीक है। डू यू नीड स्क्राइब, यस या नो।
ठीक है, आपका रिलीजन बताना है, आप किस रिलीजन से हैं, अपने धर्म के बारे में यहाँ पे बताया, जो भी मैं हिंदू धर्म से हूँ तो यहाँ पे बता दिया, आपका माइनर धर्म से है यस या नो, एक्स सर्विसन यस या नो, आपका पीरियड ऑफ सर्विस मंथ में आपको बताना है, ठीक है, जो भी आपके मंथ हो यहाँ पे डाल दें, आर यू एन इन सर्विस सी पी एम एस सी आई में, फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे यस कर दें, नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन आ रही है, सेलेक्ट कर लें आप किस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, नोएडा दिल्ली जो भी, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और ईयर यहाँ पे बता दें, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे मेल फीमेल है, आप यू हैव ट्विन ब्रदर यस या नो, नेम आपको यहाँ पे बताना है, जेंडर मेल फीमेल की जानकारी देनी है आपका ट्विन में, ठीक है, अनमैरिड है मैरिड जानकारी देंगे, फादर नेम मदर नेम स्पाउस नेम एड्रेस यहाँ पे पूरा आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट किस स्टेट के हैं यहाँ पे आपको, पिन कोड इसी तरह दोनों सेम है, इस पर कंडीशन वाला आप टिक कर देगा, अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस देना है, वैलिड डिटेल पे क्लिक कर देगा, जो भी एरर होगी सामने आ जाएगी उसको सही कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देखते हैं तीसरा डिटेल, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने जो ग्रेजुएशन किससे की है तो यहाँ पे जानकारी देंगे, तो यहाँ पे आप उसके बारे में बताना है, साइंस है आर्ट्स है कॉमर्स है तो यहाँ पे बताएं, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या किससे किया है, आप फुल टाइम डिग्री है तो यहाँ पे आपको बताना है, अपना नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोफेशनल डिग्री के बारे में यहाँ पे आप जानकारी देंगे, अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय डेसिनेट किस पद पर थे, प्रेजेंटली वर्किंग यस या नो, यहाँ पे आपको देखिए डेट यहाँ पे बताना मंथ ईयर, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपका इसी की जानकारी दें, आपने कब आपने काम छोड़ा उसके बारे में, नेचर ऑफ ड्यूटी रीजन फॉर लिविंग यहाँ पे आपका एक्सपेंस काउंट हो जाएगा, यहाँ वेदर यू क्रिमिनल केस है पेंडिंग यहाँ पे नो कर दें, हैव यू आपको कन्विक्ट एनी क्रिमिनल केस नो कर दें, यहाँ पे अपनी भाषा के बारे में बताएं, ठीक है, यस आप रीड राइट स्पीक कर दें, जो जो आप भाषा बोलते हैं वैल्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर कोई गलती नहीं है सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे आप देखते हैं आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से सारी जानकारी सही होने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं फिर उसका लेफ्ट थंब हैंड रिटन डिक्लेरेशन और कैप्चा फिल करना और पेमेंट के ऑप्शन पे जाके पेमेंट गेट वे पे जाके पेमेंट कर देना, यहाँ पे आप गाइडलाइंस अपलोड देखते हैं डॉक्यूमेंट की क्या है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड ये थी आपकी जो वैकेंसी आपकी जारी हुई थी सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग से, और उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी जो कि असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी के बारे में थी। आई होप जानकारी और वीडियो दोनों अच्छे लगे हो, ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस से जुड़ सकते हैं।